हाय फ्रेंड्स, फिर शुरू करते हैं एक केस लेके। ये थोड़ा मैं ऐसा केस आज रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। आपको भी ऐसे होता है कभी कभी, जो प्रैक्टिकली हम लोग जो फेस करते हैं ना चेंबर में, उसी को देना चाहता हूँ मैं, उसी को देने का कोशिश करता हूँ। कभी कभी हम लोग कंप्लीट यूज़ करते हैं, कभी सिंथेसिस यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो सिंथेसिस यूज़ करते हैं, कभी कभी कंप्लीट करना पड़ता है। ये इस आगे जो मैंने दिया था वो कंप्लीट से किया था, बेलाडोना का केस। आज जो केस दे रहा हूँ वो भी मैं कंप्लीट से लिया हूँ। क्यों ऐसा होता है, कभी कंप्लीट कभी सिंथेसिस, कोई कोई कंफ्यूज्ड मेरे को, कोई कोई फोन करके बोलते हैं सर आप कंप्लीट यूज़ करते हैं या सिंथेसिस। मैं तो सिंथेसिस यूज करता हूँ, कभी कंप्लीट करना पड़ता है वो रूब्रिका हिसाब से, क्योंकि दोनों में मैच नहीं करता है। कभी कंप्लीट में होता है तो सिंथेसिस में नहीं है, नहीं है इधर सिंथेसिस में है तो कंप्लीट में नहीं है, बड़ी मुश्किल हो जाते हैं हम लोगों के लिए। इसीलिए आज का ये वीडियो इसलिए करता हूँ कि आप लोग भी ये फेस करते हो गए आप लोग, तो ये कन्फ्यूशन थोड़ा दूर हटाने के लिए ऐसा मैं केस दे रहा हूँ। ये केस मेरा फ्रेंड का है, वो कलकत्ता में रहते हैं। तो मैं फ़ोन किया, मेरे को बोला जी मेरा कान में एक फिस्चूला हुआ है, कान का बाहर ही इस तरफ इस जगह पे एक फिस्चूला हुआ, बड़ा सा एक ट्यूमर जैसा है लेकिन इरेगुलर साइज, उससे कुछ निकालता है, पास नहीं है, जैसा स्टिकी डिस्चार्ज निकलते हैं वहाँ से। मैंने पूछा जी कितना दिन हो गया, बोले बहुत दिन हो गया, कम से कम तो 6 महीने हो गया ऐसा हो रहा है, तो आपने इतना दिन क्या किया। मैंने तो एंटीबायोटिक लिया कई बार, एक बार नहीं 2-3 बार कम से कम एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा किया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, जैसे वैसे डिस्चार्ज होते रहते इधर से इधर गिर के गिरता है ऐसा। और पूछा जी क्या हुआ है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, अच्छा ये क्या ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत घुमा के ऐसा ऐसा बहुत कुछ पूछ रहे। मैंने उनको सीधे साधा बोला जी उतना तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं पैथोलॉजी के ऊपर मैं उतना ध्यान नहीं देता हूँ। आप लोगों से मेरा ये कंट्रोवर्सी हो सकता है कि पैथोलॉजी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं उसी के ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ। पैथोलॉजी के ऊपर आप जाएंगे तो शायद माइंड करने में थोड़ा दिक्कत होगा। आप कोई भी पैथोलॉजी कुछ भी हो, पैथोलॉजी जितना भी डीप हो कम हो, आप जब माइंड सिम्टम लेंगे पैथोलॉजी ऊपर ध्यान दीजिएगा तो डिस्टर्ब हो ही जाता है, मेरा तो डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए मैं उतना ध्यान नहीं देता हूँ। माइंड के ऊपर पूरा ध्यान कंसंट्रेट करके मैं पहले प्लानिंग करता हूँ जो कि बोलना क्या चाहता है, पेशेंट क्या बोलना चाहते हो, कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसका दिमाग में पूरा सा एक एक्सरसाइज करना पड़ता है। सुनते सुनते और बोलो और बोलो और बोलो और बोलो, बोलते जाओ पेशेंट के साथ आप रिलेशन बनाओ उसी उसी के अंदर। अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो थोड़ा और थोड़ा बहुत हो, क्या कहाँ है आपका घर, क्या करते हैं आप, क्या खाते हैं, कैसा परिवार है, ये सब कुछ बोलो तो वो क्लियर धीरे 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 खुलता जाएगा, बोलते जाएंगे। मैं ऐसे कोशिश करता हूँ और इतने से इतना बस इतना माइंड लेके जितना केस मेरे को ठीक होता है या मैं कर सकता हूँ बस उतना से। ऐसा नहीं कि हर केस मेरे को ठीक करना है, जितना पेशेंट आएगा सबको ठीक करना है या कर सकता हूँ, ऐसा संभव नहीं है। सपोज कि 10 पेशेंट आ गया, उसमें से 6, 7, 8 कर लिए बस काफ़ी, 2-3 तो फेलियर हो गए होंगे। तो उतना उन्होंने जितना भी क्वेश्चन किया मैंने बोला मुझे उतना नॉलेज नहीं है, मैं इसका पैथोलॉजी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये ठीक कर सकता हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस है जो मैं ठीक कर दूंगा। उन्होंने बोला जी अच्छा ये क्या ऑपरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या है इसके अंदर हुआ क्या है, अच्छा ये करेंगे तो वो करेंगे।
बस इतना सा ही। और बताइए, और बताइए। बोले कभी कभी लगता है कि इसका ना एकदम मैंने बहुत डिस्टर्ब, बहुत बहुत मुझे लगता है जी इसको ना मैंने क्या जो करूँ, इसको मैंने काट दूँ या ऐसे 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 लगता है मुझे। अलम ये तो संभव नहीं है। और क्या? बोले नहीं, सब खूब डिस्टर्ब होता है रात में, सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है रात में। क्यों? बोले रात में मैं सो जाता हूँ और ये गिरने शुरू हो जाता है, गिरता है, गिरते हैं तो भी फिर बार बार उसको पोछना पड़ता है, या सामने कोई कॉटन वोटन रखना पड़ता है, उसको पोछना पड़ता है। अच्छा, और दिन भर ना हाथ अपने आप से ना चला जाता है, यहाँ पर चले जाते हैं, या कोई रुमाल रुमाल रखते हैं इसके करना पड़ता है। क्यों? बोले इधर गिरता है ना ऐसा। और कुछ? बोले नहीं, यही सबसे दिक्कत ये चल रहा है, 6 महीना हो गया, बहुत ही दिक्कत हो रहा है। तो मैंने बहुत सोचा, सोचने के बाद एक रूब्रिक, मैं एक करता हूँ सब, ऐसा बात मैंने किसी से नहीं सुना है। मैं करता हूँ कि एक रूब्रिक को ना कंफर्म करता हूँ जी, कि ये रूब्रिक कंफर्म है। वो रूब्रिक को कंफर्म करके उसका साथ मैं और सपोर्टिंग रूब्रिक लगा के मेडिसिन तक पहुँच जाता हूँ। तो एक रूब्रिक मेरा दिमाग में आया कि ये पेशेंट हर समय इसके ऊपर नज़र रखता है, ये गिरे गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, हाथ लगाते हैं बार बार, पूछते हैं बार बार। ये मेरा लगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसा। तो उसी का हिसाब से मैंने एक ड्रग उनको दिए है, तो उसको 30 दिया, 200, फिर 1 m, 10 m, नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं। 3 महीने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने पूरा सिनेरियो चेंज नहीं किया, थोड़ा रूब्रिक दो चार इधर उधर कर लिए, इसी जगह गड़बड़ होता है। मैं अभी सोचा कि नहीं, मैंने पहले कंप्लीट से किया है, क्योंकि वो रूब्रिक मेरा कंप्लीट में था, सिंथेसिस में नहीं था। जो रूब्रिक को मैंने कंफर्म किया जी ये तो होना ही चाहिए इसमें, तो देखा सिंथेसिस में नहीं है, कंप्लीट में था, तो कंप्लीट छोड़ के मैं सिंथेसिस में आ गया। फिर वो रूब्रिक को मैंने छोड़ दिया, वो रूब्रिक छोड़ के और सारे रूब्रिक जितना है सब लगा दिया, तो दूसरा मेडिसिन आ गया। तब जाके मैंने दूसरा मेडिसिन देते ही बस झट से वो कम होना शुरू हो गया, और शायद 2 महीने के अंदर ही होगा वो कम्प्लीटली क्योर हो गया। तो मैंने पिक्चर, वॉइस तो आपको नहीं दिया क्या, वीडियो में नहीं है, तो मैंने पिक्चर आपको भेजा है, आप पिक्चर देखिए, आप तो देखे होगा, और थोड़ा सोचिए, मैं एनालिसिस दे रहा हूँ इसका। अभी इसका एनालिसिस करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट रूब्रिक मेरे को इधर में लगा, ये वॉचफुलनेस, ये हर समय इसको वॉच करते हैं, ये अरे गिरा तो नहीं, गिरा तो नहीं, गिरा तो नहीं, कुछ वॉचफुलनेस। मैंने ये रूब्रिक को लिया, जो नहीं कंफर्म रूब्रिक एकदम, इसका साथ मैंने लिया डिस्टर्ब एवर्शन बिंग, क्योंकि ये बहुत डिस्टर्ब फील करता है, स्पेशली रात में जब गिर जाता है, तो शायद बिस्तर उस तो बालिश उलिस में तो भी लग जाएगा, पिलो में लग जाएगा, इसलिए मैंने लिखा डिस्टर्ब एवर्शन टो भी। और एक रूप लिख लिया मैंने थियोराइजिंग, ये बहुत सारे थ्योरी मेरे को दे रहा था, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसे ठीक होगा, क्या ठीक होगा, थियोराइजिंग लिया। और किल डिजायर टू लिया, और इम्पालसिव इम्पालसिव लिया, क्योंकि ये कभी कभी इसका मन लगता है कि मैं इसको काट दूँ, चीर दूँ, तोड़ दूँ। ये 4-5 रूब्रिक मैंने लिए, मैंने इसको सल्फर दिया था, तो सल्फर 30 दिए, फिर
200 दिए, फिर 1 एम दिए, फिर 10 एम दिए, लेकिन फेल्योर। और घुमा फिरा के मेरे को लग रहा है कि नहीं साल पर, ये साल पर। लेकिन जब मैंने देखा 3 महीने में कोई रिजल्ट नहीं है, तब मैंने इसको चेंज किया। चेंज करके मेरा दूसरा मेडिसिन में मैं आ गया। अभी मैंने दूसरा मेडिसिन पर कैसे कंक्लूशन कैसे आया, दूसरा मेडिसिन के ऊपर जो मैं सोच रहा था कि वॉचफुलनेस, ये मैंने गलती कर दिया वॉचफुलनेस को। तो वॉचफुलनेस देखा जो सिंथेसिस में वॉचफुलनेस नहीं है, तो यही मेरा मुश्किल हो गया जी। वॉचफुल में वॉचफुलनेस को क्या मैं छोड़ दूं? मन नहीं कर रहा कि ना वॉचफुलनेस को मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन सिंथेसिस में है नहीं वॉचफुलनेस, तो क्या करे, बहुत मुश्किल में पड़ गया, क्या करे। तो मैंने और सारे रूब्रिक लगाने शुरू कर दिया। थियोराइजिंग मैंने लिया, किल डिजायर टू लिए, इम्पल्सिव लिए। और एक बात मैंने पहले आपको नहीं बताया, उन्होंने धीरे धीरे जब 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना ऐसे हो रहा है, तो उनमें एक डर पैदा हो रहा है, अच्छा ये अंदर से तो खराब ही नहीं होगा, तो ये कुछ और कुछ नहीं हो रहा है, तो ये स्वाभाविक है। हर पेशेंट पहले पहले नहीं बोलेगा, बाद में जब पुराना हो जाएगा तब तो ये क्वेश्चन उसका मन में आएगा। तो जब ये बोलने लग गया, तब मैंने और एक रूब्रिक यहाँ से लगाया, फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग। ये कुछ अलग सा डिजीज, अच्छा अंदर में तो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं ठीक हो रहा है। और डिस्टर्ब एवर्शन बिंग लगाया। ये सब लगाने के बाद देखा, अरे दूसरा मेडिसिन आ रहा है, सल्फर यहां से हट गया, क्योंकि डिस्टर्ब एवर्शन में, सिंथेसिस में डिस्टर्ब एवर्शन में सल्फर, हाँ सल्फर है, लेकिन सॉरी इम्पल्सिव जो रूब्रिक लिया उसमें सल्फर नहीं है सिंथेसिस में। तो मैं बहुत सोचने लग गया, अच्छा ठीक है, वॉचफुलनेस जो मैंने रूब्रिक लिए थे तो वो क्या सही है। बाद में मैंने सोचा, नहीं वो मेरा गलती हो गया था, एक्चुअली ये वॉचफुलनेस है, ये है फास्टिडियसनेस। तो ऐसा गलती आपको भी हो जाएगा, इसलिए तो बहुत चिंता करना पड़ता है, बहुत ही सोचना पड़ता है। और एक रूब्रिक मैंने देखा सिंथेसिस में, चेकिंग ट्वाइस और मोर मस्ट चेक। ये जो रात में उठ के बार बार वो दिख रहा था, गिरा तो नहीं कुछ, कुछ तो पास नहीं आ रहा, कुछ लिक्विड्स तो नहीं आ रहा है, ये एक तरीका से कि ये फास्टिडियसनेस है, और दूसरा तरीका से ये चेकिंग ट्वाइस और मोर मस्ट चेक। ये रात में उठ के बार बार चेक करते थे। तब आया, अरे मैंने तो बहुत गलती कर दिया इस सल्फर को। सल्फर इनडिफरेंस टू द पर्सनल अपीयरेंस में रहता है, इसलिए सल्फर कम नहीं किया, लेकिन यहाँ मैंने चेकिंग ट्वाइस और मेस और फास्टिडियस ने लिया, ये आर्सेनिक। जब मैंने इसको आर्सेनिक दिया, झट से इसको इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया नेक्स्ट दिन से। और शायद ये बहुत पुराना केस है, इसलिए याद नहीं है मेरा ये कितना दिन लगा था, 3200 शायद 200 तक ही ख़त्म हो गया केस। तो एक डेढ़ महीना में ये कंप्लीट ठीक हो गया, और पिक्चर भी मैंने आपको दे दिए। तो कैसे लगा ये केस, ज़रूर कमेंट कीजिए, ज़रूरत पड़े तो फ़ोन कीजिएगा अगर समझ नहीं आया। तो ये ऐसा थोड़ा कंट्रोवर्शियल इसलिए दिए कि आपको भी, आप भी फेस करेंगे ऐसे, घबराइए मत, और भी सोचिए, ओके।